हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे आप जो वीडियोस देखते हैं वो सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए एक रिवीजन टेस्ट है, प्रैक्टिस पेपर है। इसमें सभी एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस मैंने रखे हैं जो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। इंसुलिन इज यूजुअली गिवन टू डायबिटिक पेशेंट्स बाय विच रूट? सबक्यूटेनियस, ओरल, इंट्रावेनस, इंट्रास्पाइनल। तो क्या होता है इंसुलिन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? तो यह होता है सबक्यूटेनियस। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इंसुलिन को देते हैं सबक्यूटेनियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स इज इशूड इन फॉर्म 20A, फॉर्म 20B, फॉर्म 20F, फॉर्म 20G। तो इनमें से कौन सा फॉर्म नंबर होता है फॉर होलसेल ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स? शेड्यूल एक्स के होलसेल के लिए कौन सा फॉर्म नंबर आएगा? तो यह हो जाएगा 20G। फॉर्म नंबर 20G इज फॉर होलसेल ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, 20G। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ सिंकोना बार्क? क्यूप्रिया बार्क, पेरुवियन बार्क, जेसुट्स बार्क, रूबिया बार्क। तो यह होता है क्यूप्रिया बार्क। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, क्यूप्रिया बार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फार्मेसी एजुकेशन रेगुलेशन इज लेड डाउन बाय AICTE, स्टेट फार्मेसी काउंसिल, सेंट्रल गवर्नमेंट, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। द फार्मेसी एजुकेशन रेगुलेशन इज लेड डाउन बाय, एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। द फार्मेसी एजुकेशन रेगुलेशन इज लेड डाउन बाय PCI। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बोन फॉर्म्स बैक ऑफ द हेड? पराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, फ्रंटल बोन, ओसिपिटल बोन। विच बोन फॉर्म्स बैक ऑफ द हेड? तो ओसिपिटल बोन फॉर्म्स बैक ऑफ द हेड। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ओसिपिटल बोन फॉर्म्स बैक ऑफ द हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पेप्टाइड हॉर्मोन? कैलिडिन, ग्रामिसिडिन, एंजियोटेंसिन, सिक्रेटिन। तो इनमें से कौन सा है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पेप्टाइड हॉर्मोन? तो यह हो जाएगा सिक्रेटिन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यूज्ड इन हाइपरटेंशन? कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, लोसार्टन, निफिडेपिन। तो इनमें से कौन सा है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यूज्ड इन हाइपरटेंशन? तो यह होता है लोसार्टन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, लोसार्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायग्नोस्टिक एजेंट यूज्ड इन माइसेनिया ग्रेविस? प्रेलिडॉक्साइम, नियोस्टिग्माइन, फाइसोस्टिग्माइन, इंड्रोफोनियम। तो कौन सा डायग्नोस्टिक एजेंट यूज करते हैं इन माइसेनिया ग्रेविस? तो यह होता है इंड्रोफोनियम। ऑप्शन डी, इंड्रोफोनियम होता है डायग्नोस्टिक एजेंट यूज्ड इन माइसेनिया ग्रेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेड्यूल एन इज फॉर लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, स्टैंडर्ड फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, क्लिनिकल ट्रायल्स, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर रिटेल फार्मेसी। तो किसके लिए होता है शेड्यूल एन? तो शेड्यूल एन होता है फॉर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर रिटेल फार्मेसी। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, शेड्यूल एन में आता है मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर रिटेल फार्मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन टिंचर इज ए स्ट्रांग आयोडीन सॉल्यूशन, एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन, अल्कलाइन आयोडीन सॉल्यूशन, वीक आयोडीन सॉल्यूशन। तो क्या होता है आयोडीन टिंचर? तो आयोडीन टिंचर होता है वीक आयोडीन सॉल्यूशन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, वीक आयोडीन सॉल्यूशन होता है आयोडीन टिंचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए रैपिड एक्टिंग इंसुलिन? लिस्प्रो, लैंटे, अल्ट्रा लैंटे, ग्लार्जिन। इनमें से कौन सा है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन? तो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन हो जाएगा लिस्प्रो। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, लिस्प्रो इज ए रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैप्सूल साइज एकोमोडेट द हाइएस्ट वॉल्यूम? 00, 000, 1 or 5। तो इनमें से कौन सा है लार्जेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल? तो लार्जेस्ट साइज कैप्सूल होता है 000। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक? एस्टेमिजोल, प्रोमिथाजिन, सेट्रीजिन, लोरेटेडिन। इनमें से कौन सा सेकेंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक नहीं है, नॉट ए सेकेंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक? तो प्रोमिथाजिन इज नॉट ए सेकेंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन इज
डायरिया, हेडेक, हाइपरटेंशन और सेडेशन। इनमें से कौन सा है मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन? तो नाइट्रोग्लिसरीन का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है हेडेक। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। हेडेक इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन इंजेक्शन कम अंडर द शेड्यूल वाई, एस, एक्स और जी। तो किस में आता है इंसुलिन इंजेक्शन, कौन से शेड्यूल में आता है इंसुलिन इंजेक्शन? तो इंसुलिन इंजेक्शन आते हैं शेड्यूल जी में। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। शेड्यूल जी में आता है इंसुलिन इंजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पिनोसाइटोसिस, पैसिव डिफ्यूजन। एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग बाय, एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेरॉइड्स फाउंड इन द फ्लावर्स एंड लीव्स ऑफ डिजिटलिस परपुरिया, डिगॉक्सीजेनिन, डिजिटॉक्सोस, डिजिटैलोस, नन ऑफ द अबव। स्टेरॉइड्स फाउंड इन द फ्लावर्स एंड लीव्स ऑफ डिजिटलिस परपुरिया। तो कौन से स्टेरॉइड्स प्रेजेंट होते हैं इन द फ्लावर्स एंड लीव्स ऑफ डिजिटलिस परपुरिया? तो इसमें प्रेजेंट होते हैं डिगॉक्सीजेनिन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। डिगॉक्सीजेनिन इज फाउंड इन द फ्लावर्स एंड लीव्स ऑफ डिजिटलिस परपुरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन 1948, 1960, 1955 और 1966। तो कब पब्लिश हुआ था फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया? तो ये पब्लिश हुआ था 1955 में। ऑप्शन सी, 1955 में पब्लिश हुआ था फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरासिटामोल ओवरडोज इज ट्रीटेड विथ एन एसिटाइलसिस्टीन, कैल्शियम डाइसोडियम ईडीटीए, डी पेनिसिलामाइन, डाइमरकैप्रोल। तो इनमें से किसे यूज करते हैं पैरासिटामोल ओवरडोज में? तो पैरासिटामोल ओवरडोज में यूज करते हैं एन एसिटाइलसिस्टीन का। ऑप्शन ए, पैरासिटामोल ओवरडोज इज ट्रीटेड विथ एन एसिटाइलसिस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट पोटेंट माइट्रिएटिक एजेंट विथ लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, एट्रोपिन, होमेट्रोपिन, ट्रॉपिकामाइड, साइक्लोपेंटोलेट। द मोस्ट पोटेंट माइट्रिएटिक एजेंट विथ लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, तो ये होता है एट्रोपिन। ऑप्शन ए, एट्रोपिन होता है मोस्ट पोटेंट माइट्रिएटिक एजेंट विथ लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज डिफ्यूजिबल, एस्पिरिन, फेनासिटिन, बिस्मत कार्बोनेट, चॉक पाउडर। तो इनमें से डिफ्यूजिबल कंपाउंड होता है बिस्मत कार्बोनेट। ऑप्शन सी, बिस्मत कार्बोनेट होता है डिफ्यूजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनिटोइन इज अ डेरिवेटिव ऑफ हेडेंटोइन, ऑक्साजोल, आइसोक्साजोल, टेट्राजोल। तो क्या होता है फिनिटोइन? तो फिनिटोइन इज अ डेरिवेटिव ऑफ हेडेंटोइन। ऑप्शन ए, फिनिटोइन इज अ डेरिवेटिव ऑफ हेडेंटोइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर आईपी द परसेंटेज ऑफ सुक्रोज इन सिंपल सिरप इज 56% वेट बाय वेट, 66.7% वेट बाय वॉल्यूम, 66.7% वेट बाय वेट और 85% वेट बाय वेट। एज पर आईपी द परसेंटेज ऑफ सुक्रोज इन सिंपल सिरप इज, तो कितना परसेंटेज होता है सुक्रोज का इन सिंपल सिरप? तो ये होता है 66.7% वेट बाय वेट। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। 66.7% वेट बाय वेट होता है परसेंटेज ऑफ सुक्रोज इन सिंपल सिरप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ प्राइमिडॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटी इपिलेप्टिक एक्टिविटी इज, फिनिटोइन, गाबापेंटिन, फिनोबार्बिटोन, डाइजेपैम। द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ प्राइमिडॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटी इपिलेप्टिक एक्टिविटी, तो कौन सा एक्टिव मेटाबोलाइट होता है प्राइमिडॉन का रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटी इपिलेप्टिक एक्टिविटी? तो ये होता है फिनोबार्बिटोन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। फिनोबार्बिटोन इज द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ प्राइमिडॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटी इपिलेप्टिक एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्टिव सेरेटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर इज सल्पीराइड, फ्लुओक्सेटिन, रैलोक्सीफेन, पेनफ्लुरिडॉल। तो इनमें से सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर कौन सा है? कौन सा है? एसएसआरआई। तो एसएसआरआई सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है फ्लुओक्सेटिन। ऑप्शन बी, फ्लुओक्सेटिन होता है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटीवायरल एजेंट ऑल्सो यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म, लिवोडोपा, एमेंटेडिन, सेलिजिलिन और कार्बिडोपा।
द एंटीवायरल एजेंट ऑल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म। तो पार्किंसोनिज्म में यूज करते हैं एमेंटेडिन का। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। एमेंटेडिन इज एन एंटीवायरल एजेंट एंड इट इज ऑल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एमेंटेडिन इज द ड्रग यूज इन एंटीबैक्टेरियल, एंटीवायरल, एंटीफंगल, एंटीप्रोटोजोल। तो ये अभी हमने देखा, एमेंटेडिन होता है एंटीवायरल ड्रग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेबुला मीन्स क्रीम, स्नब, फेस पाउडर, स्प्रे सॉल्यूशन। तो क्या होता है नेबुला? तो नेबुला होता है स्प्रे सॉल्यूशन, ऑप्शन डी, स्प्रे सॉल्यूशन होता है नेबुला। नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉलीऑक्सीइथिलीन सॉर्बिटन एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स आर नोन एज ट्विन्स, स्पैन्स, कार्बाकोल, ग्लिसराइड्स। पॉलीऑक्सीइथिलीन सॉर्बिटन एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स, तो क्या बोलते हैं इन्हें? तो इन्हें बोलते हैं ट्विन्स, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ट्विन्स होते हैं पॉलीऑक्सीइथिलीन सॉर्बिटन एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड फीवर इज एरिथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन, क्लोराम्फेनिकॉल, नाफ्सिलिन। द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड फीवर, तो टाइफॉइड फीवर में ड्रग ऑफ चॉइस होता है क्लोराम्फेनिकॉल, ऑप्शन सी, क्लोराम्फेनिकॉल होता है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एजेंट्स प्रमोटिंग इजी बाउल इवैक्यूएशन इज टर्म्ड एज प्रोटेक्टिव, एंटासिड, एड्सॉर्बेंट, लैक्सेटिव। तो क्या बोलते हैं इन्हें? एजेंट्स प्रमोटिंग इजी बाउल इवैक्यूएशन, तो ये होते हैं लैक्सेटिव्स, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। लैक्सेटिव प्रमोट्स इजी बाउल इवैक्यूएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइपोग्लॉसल नर्व इज कंसर्न विथ च्यूइंग, मूवमेंट ऑफ टंग, फेशियल इंप्रेशंस, मूवमेंट ऑफ आईबॉल। तो हाइपोग्लॉसल नर्व इज कंसर्न विथ मूवमेंट ऑफ टंग, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। हाइपोग्लॉसल नर्व इज कंसर्न विथ मूवमेंट ऑफ टंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल अमाइनो एसिड? वैलिन, लाइसिन, ग्लाइसिन, लूसिन। तो इनमें से कौन सा इसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं है? नॉट एन इसेंशियल अमाइनो एसिड, तो ये हो जाएगा ग्लाइसिन, ऑप्शन सी, ग्लाइसिन इज नॉट एन इसेंशियल अमाइनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन। डोपामाइन रिसेप्टर एगोनिस्ट इज रोपिनिरोल, टॉलकैपॉन, सेलिजिलिन, एमेंटेडिन। इनमें से कौन सा है डोपामाइन रिसेप्टर एगोनिस्ट? तो डोपामाइन रिसेप्टर एगोनिस्ट है रोपिनिरोल, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर इनसोल्यूबल पॉलीमर? पॉलीविनाइल पायरोलिडिन, मिथाइल सेल्यूलोज, इथाइल सेल्यूलोज, एराबिनोगैलेक्टन। इनमें से कौन सा है वाटर इनसोल्यूबल पॉलीमर? तो वाटर इनसोल्यूबल पॉलीमर होता है इथाइल सेल्यूलोज, ऑप्शन सी, इथाइल सेल्यूलोज इज ए वाटर इनसोल्यूबल पॉलीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एच एल बी वैल्यू ऑफ ए सर्फैक्टेंट बिटवीन 7 to 9 यूज एज डिटर्जेंट्स, वेटिंग एजेंट्स, वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट्स, एंटी फोमिंग एजेंट्स। एच एल बी वैल्यू ऑफ ए सर्फैक्टेंट बिटवीन 7 to 9, तो इनमें से किसका एच एल बी वैल्यू होता है बिटवीन 7 to 9? तो ये होता है वेटिंग एजेंट्स का, ऑप्शन बी। एच एल बी वैल्यू ऑफ ए सर्फैक्टेंट बिटवीन 7 to 9 यूज एज वेटिंग एजेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The removal of water vapors from a frozen solution by sublimation is the principle of spray solution, vacuum dryer, freeze dryer, fluidized bed dryer. The removal of water vapors from a frozen solution by sublimation is the principle of. तो ये किसका principle होता है removal of water vapors from a frozen solution by sublimation? तो ये principle होता है freeze dryer का, option C will be your correct answer. फ्रीज ड्राइंग को ही बोलते हैं सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनिबिशन ऑफ गाबा ट्रांसमाइनेज एंजाइम इज मेनली डन बाय सोडियम वाल्प्रोएट, फिनोबार्बिटोन, फिनिटोइन, कार्बामाजेपाइन। तो इनमें से कौन करता है गाबा ट्रांसमाइनेज एंजाइम इनिबिशन? इनमें से कौन होता है गाबा ट्रांसमाइनेज एंजाइम इनिबिटर? तो यह होता है सोडियम वाल्प्रोएट, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इनिबिशन ऑफ गाबा ट्रांसमाइनेज एंजाइम इज मेनली डन बाय सोडियम वाल्प्रोएट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल मेडिएटेड टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शन इज टाइप 1 रिएक्शन, टाइप 3 रिएक्शन, टाइप 2 रिएक्शन और टाइप 4 रिएक्शन। तो इनमें से कौन से टाइप में आता है सेल मेडिएटेड एलर्जिक रिएक्शन? तो ये आती है टाइप 4 में, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर।
सेल मेडिएटेड टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शन इज टाइप 4 रिएक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ शुगर कोटिंग प्रोसेस कलरेंट इज यूज्ड? सीलिंग, सिरपिंग, सब कोटिंग, पॉलिशिंग. इन विच टाइप ऑफ शुगर कोटिंग प्रोसेस कलरेंट इज यूज्ड? तो कौन से स्टेप में ऐड करते हैं कलरेंट्स को? तो कलरेंट्स आर एडेड इन सिरपिंग. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. सिरपिंग में ऐड करते हैं कलरेंट्स को. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्रिस्क्रिप्शन द डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट इज? इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, सुपरस्क्रिप्शन, सिग्नेचर. क्या होता है डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट? तो यह होता है सब्सक्रिप्शन. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. सब्सक्रिप्शन होता है डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट. डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट रिगार्डिंग टू द डोसेज फॉर्म एंड नंबर ऑफ डोसेज, ये आता है सब्सक्रिप्शन में. देन इंस्क्रिप्शन होता है नेम एंड क्वांटिटीज ऑफ ड्रग्स. इंस्क्रिप्शन में आते हैं नेम एंड क्वांटिटीज ऑफ ड्रग. देन सुपरस्क्रिप्शन होता है आरएक्स. ये आरएक्स होता है यू टेक, टेक दो, टेक द फॉलोइंग. ठीक है, इसमें आते हैं इंस्ट्रक्शन टू द फार्मासिस्ट. देन सिग्नेचुरा होता है डायरेक्शन टू द पेशेंट्स रिगार्डिंग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन के ये सभी पार्ट्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्रग इज यूज एज डायूरेटिक? गोखरू, अर्गोट, असाफोटिडा और अर्जुना. इनमें से कौन सा होता है डायूरेटिक? तो डायूरेटिक होता है गोखरू. ऑप्शन ए, गोखरू होता है डायूरेटिक. गोखरू का बायोलॉजिकल सोर्स होता है ट्राइबुलस टेरेस्टिस एंड इसकी फैमिली होती है जाइकोफिलेसी और यह होता है स्टेरॉयडल सेफोनिन एंड इसे यूज करते हैं एज ए डायूरेटिक. देन आर्गोट का बायोलॉजिकल सोर्स होता है क्लेविसेप परपुरिया. इसकी फैमिली होती है हाइपोक्रेसी और ये आता है इंडोल एल्कलॉइड्स में. ठीक है, और ये होता है ऑक्सीटोसिक एंड इसे माइग्रेन की ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं. देन ये असाफोटिडा होता है हींग. इसका सिनोनिम होता है डेविल्स डंग और ये होता है ओलियोगम रेजिन. असाफोटिडा इज ओलियोगम रेजिन एंड इसकी फैमिली होती है अम्बेलीफेरी एंड इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है फेरुला फोटिडा. देन इसे यूज करते हैं एज ए कार्मिनेटिव, नर्व टॉनिक एंड फ्लेवरिंग एजेंट. देन अर्जुना आता है टैनिन्स में. इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है टर्मिनेलिया अर्जुना. इसकी फैमिली होती है कॉम्ब्रेटेसी. यूज होता है कार्डियक टॉनिक. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैटिन टर्म पल्विस कॉन्स्पेरस मीन्स? ऑइंटमेंट, पोल्टाइस, डस्टिंग पाउडर, माउथ वॉश. तो क्या होता है लैटिन टर्म पल्विस कॉन्स्पेरस का मीनिंग? तो यह होता है डस्टिंग पाउडर. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. पल्विस कॉन्स्पेरस इज डस्टिंग पाउडर. देन ऑइंटमेंट का लैटिन टर्म होता है अनगुएंटम. पोल्टाइस का लैटिन टर्म होता है कैटाप्लाज्मा. माउथ वॉश का लैटिन टर्म होता है कोलुटोरियम. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेटिफाइड कॉर्क एंड स्कैटर्ड सीव टिश्यूज आर प्रेजेंट इन? रोल्फिया, सेना, अश्वगंधा और धतूरा. तो इनमें से किसमें प्रेजेंट होते हैं स्ट्रेटिफाइड कॉर्क एंड स्कैटर्ड सीव टिश्यूज? तो ये प्रेजेंट होते हैं रोल्फिया में. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. एंड ये रोल्फिया आता है इंडोल एल्कलॉइड्स में. इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है रोल्फिया सर्पेंटिना. इसकी फैमिली होती है अपोसाइनेसी एंड इसे यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन. इसे यूज करते हैं हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट के लिए एंड ये सेडेटिव भी होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोनिम ऑफ फेरस सल्फेट इज? ग्रीन विट्रियल, ब्लू विट्रियल, रेड विट्रियल, व्हाइट विट्रियल. तो क्या होता है फेरस सल्फेट का सिनोनिम? तो फेरस सल्फेट होता है ग्रीन विट्रियल. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. ग्रीन विट्रियल होता है फेरस सल्फेट, ब्लू विट्रियल होता है कॉपर सल्फेट, व्हाइट विट्रियल होता है जिंक सल्फेट एंड रेड विट्रियल होता है कोबाल्ट सल्फेट. रेड विट्रियल इज कोबाल्ट सल्फेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंकोना बिलोंग्स टू द फैमिली रूबियासी, रूटासी, जिंजीबेरेसी, सोलेनासी. तो इनमें से कौन सी होती है फैमिली ऑफ सिंकोना? तो सिंकोना की फैमिली होती है रूबियासी. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. एंड सिंकोना आता है क्यूनोलिन एल्केलॉइड्स में. इसका सिनोनिम होता है पनामा बार्क. एंड सिंकोना के बायोलॉजिकल सोर्सेस होते हैं सिंकोना कैलिसाया, सिंकोना ऑफिशिनेलिस, सिंकोना सक्सीरुब्रा, देन सिंकोना लेगिरियाना. ये सभी होते हैं बायोलॉजिकल सोर्सेस ऑफ सिंकोना एंड इसकी फैमिली होती है रूबियासी. देन इसके चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं क्विनाइन एंड क्विनिडिन, जिसमें क्विनाइन होता है एंटी मलेरियल एंड क्विनिडिन होता है एंटी एरिथमिक ड्रग. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ड्रग स्टोर द एक्सपायरी डेटेड ड्रग फॉर्मुलेशंस आर कॉल्ड स्क्रैप आइटम्स, सरप्लस आइटम्स, ऑब्सोल्यूट आइटम्स, डॉर्मेंट आइटम्स. तो क्या बोलते हैं एक्सपायरी डेटेड ड्रग फॉर्मुलेशंस को?
तो ये होते हैं ऑब्सोल्यूट आइटम्स, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नॉक्सियस और अनइंटेंडेड रिस्पॉन्स टू द ड्रग ऑकर्स एट ए नॉर्मल डोज इज कॉल्ड हाइपर सेंसिटिविटी, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, एनाफाइलेक्सिस, इडियोसिंक्रेसी। ए नॉक्सियस और अनइंटेंडेड रिस्पॉन्स टू द ड्रग ऑकर्स एट ए नॉर्मल डोज, तो ये होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। एडवर्स ड्रग रिएक्शन होती है नॉक्सियस और अनइंटेंडेड रिस्पॉन्स टू द ड्रग ऑकर्स एट ए नॉर्मल डोज। तेने हाइपर सेंसिटिविटी होती है कैरेक्टरिस्टिक अनवांटेड रिएक्शन विच इजंट रिलेटेड टू ए डोज और टू ए फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ ए ड्रग, ये होती है हाइपर सेंसिटिविटी। एनाफाइलेक्सिस होती है ए सीवियर पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन दैट कैन अकर विद इन सेकेंड्स और मिनट्स, ठीक है। देन वॉट इज इडियोसिंक्रेसी, तो इडियोसिंक्रेसी होती है एन अनएक्सपेक्टेड ड्रग रिस्पॉन्सेस विच कैनॉट बी प्रेडिक्टेड, ये अनप्रेडिक्टेबल होती है एंड मोर सीरियस होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ सिंकोना, इनमें से कौन सा बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ सिंकोना नहीं है, नॉट द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ सिंकोना। तो सिंकोना पे दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में सिंकोना की फैमिली पूछी गई थी, सिंकोना की फैमिली थी रूबिएसी। देन सिंकोना का सिनोनिम होता है पनामा बार्क, इसके चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं क्विनाइन जो होता है एंटी मलेरियल एंड क्विनिडिन जो होता है एंटी एरिथमिक एजेंट। देन हमने सिंकोना के बायोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में भी डिस्कस किया था, सिंकोना कैलिसाया, सिंकोना ऑफिशिनलिस, देन सिंकोना सक्सिरुब्रा एंड सिंकोना लेगेरियाना, ये होते हैं सिंकोना के बायोलॉजिकल सोर्स। इसमें सिंकोना इंडिका नहीं आता, सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, सिंकोना इंडिका इज नॉट द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ सिंकोना। बाकी ये तीनों है बायोलॉजिकल सोर्सेस ऑफ सिंकोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एंटी डैंड्रफ एजेंट, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सिलेनियम सल्फाइड, जिंक ऑक्साइड, इनमें से कौन सा होता है एंटी डैंड्रफ एजेंट विच इज यूज्ड इन शैम्पू, तो ये होता है सिलेनियम सल्फाइड, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, स्टेरॉइड्स और लिपिड्स, तो क्या होते हैं एंजाइम्स, तो ये भी क्वेश्चन कल परसों के वीडियो में हमने डिस्कस किया था, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एंड एंजाइम इज ए सब्सटेंस विच एक्ट एज ए कैटेलिस्ट, एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन्स एंड एंजाइम इज ए सब्सटेंस विच एक्ट एज ए कैटेलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ कोरिएंडर इज, लिनालूल, यूजेनॉल, एनेथॉल, सिनेमिक एसिड, तो कौन सा होता है चीफ वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ कोरिएंडर, तो ये होता है लिनालूल, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, 90% डी लिनालूल प्रेजेंट होता है कोरिएंडर में। कोरिएंडर का बायोलॉजिकल सोर्स होता है कोरिएंड्रम सटाइवम, इसकी फैमिली होती है अम्बेलीफेरी और ये होता है एरोमेटिक कार्मिनेटिव एंड फ्लेवरिंग एजेंट। देन ये यूजेनॉल प्रेजेंट होता है क्लोव में एंड तुलसी में प्रेजेंट होता है यूजेनॉल। एनेथॉल प्रेजेंट होता है फेनेल में, फेनेल का बायोलॉजिकल सोर्स होता है फॉलिकुलम वल्गैरी एंड इसकी फैमिली होती है अम्बेलीफेरी। देन सिनेमिक एसिड प्रेजेंट होता है सिनेमोन में, इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है सिनेमोमम झाइलेनिकम, इसकी फैमिली होती है लोरेसी और यह होता है कार्बिनेटिव एरोमेटिक एंड फ्लेवरिक एजेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्टर एड इज टैल्क, चारकोल, किसलगुर, ऑल ऑफ द अबव, तो इनमें से कौन सा होता है फिल्टर एड, तो फिल्टर एड में ये तीनों आते हैं टैल्क, चारकोल एंड किसलगुर, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजवाइन कंसिस्ट ऑफ ड्राई ड्राई फ्रूट्स ऑफ प्लांट, कैथरेंटस रोजियस, क्लेविसेप परपुरिया, ट्रेचिस्परमम एमी, डायस्कोरिया डेल्टोइडिया, अजवाइन कंसिस्ट ऑफ ड्राई ड्राई फ्रूट्स ऑफ प्लांट, तो इनमें से कौन सा होता है अजवाइन का बायोलॉजिकल सोर्स, तो अजवाइन का बायोलॉजिकल सोर्स होता है ट्रेचिस्परमम एमी, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये कैथरेंटस रोजियस होता है बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ विनका, विनका का बायोलॉजिकल सोर्स होता है कैथरेंटस रोजियस, क्लेविसेप परपुरिया होता है बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ एर्गॉट एंड डायस्कोरिया डेल्टोइडिया होता है बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ डायस्कोरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइड इफेक्ट ऑफ सिमेटिडिन, नौशिया, डिजीनेस, गायनेकोमेस्टिया, वोमिटिंग, इनमें से कौन सा है साइड इफेक्ट ऑफ सिमेटिडिन, तो सिमेटिडिन का साइड इफेक्ट होता है ऑप्शन सी गायनेकोमेस्टिया। ये गायनेकोमेस्टिया पे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गायनेकोमेस्टिया इज द साइड इफेक्ट ऑफ सिमेटिडिन और ये सिमेटिडिन होता है H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट,
एंड इसे यूज करते हैं टू ट्रीट पेप्टिक अल्सर। एंड सिमेटिडिन में प्रेजेंट होती है इमिडाजोल रिंग। एंड लॉन्ग टर्म यूज ऑफ सिमेटिडिन में कॉज रेनल फेलियर एंड गायनेकोमेस्टिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैओलिन मेनली कंसिस्ट ऑफ मैग्नीशियम सिलिकेट, एल्यूमिनियम सिलिकेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम फॉस्फेट। कैओलिन मेनली कंसिस्ट ऑफ, तो कैओलिन मेनली कंसिस्ट ऑफ एल्यूमिनियम सिलिकेट, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केलर केलियानी टेस्ट इज स्पेसिफिक फॉर प्रोनासिन, डिजिटॉक्सोस, सिंकोना और आर्गोट। तो किसके लिए होती है केलर केलियानी टेस्ट? तो केलर केलियानी टेस्ट होती है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, और ये होती है स्पेसिफिक टेस्ट फॉर डिजिटॉक्सोस। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिथ्रोमाइसिन बिलोंग्स टू बीटा लैक्टम, मैक्रोलाइड, अमाइनोग्लाइकोसाइड, पेप्टाइड। तो कौन से क्लास में आता है एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक? तो ये आता है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक क्लास में। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स होते हैं एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, देन रॉक्सिथ्रोमाइसिन, स्पैरामाइसिन, ये सभी आते हैं मैक्रोलाइड क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स में। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है इनिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एट 50S राइबोसोमल सब यूनिट। ठीक है, ये 50S राइबोसोमल सब यूनिट पे प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट कराते हैं माइक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स। देन ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होते हैं पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिंस, मोनोबैक्टम्स, कार्बापेनम्स, ये सभी आते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में, और ये होते हैं सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स। देन अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स होते हैं अमिकासिन, जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, नेटलीमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, देन टोब्रामाइसिन, ये सभी होते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स। एंड इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है इनिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एट 30S राइबोसोमल सब यूनिट। ये 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट कराते हैं। एंड इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं ओटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड। अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक कॉज कराते हैं ओटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड। हियरिंग लॉस इज मेनली एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, ये कॉज कराते हैं ओटोटॉक्सिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट इज ऑल्सो नोन एज टार्टारिमेटिक, इप्सम सॉल्ट, जिप्सम और एलम। तो क्या होता है एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट? तो ये होता है टार्टारिमेटिक। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। टार्टारिमेटिक इज एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट। ये इप्सम सॉल्ट होता है मैग्नीशियम सल्फेट, जिप्सम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, एंड एलम होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज सीक्रेट इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमेटोस्टैटिन, नन ऑफ द अबव। तो इनमें से क्या सीक्रेट होता है बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज से? तो बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज सीक्रेट इंसुलिन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इंसुलिन इज ए हार्मोन सीक्रेटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। देन पैनक्रियाज के अल्फा सेल्स से सीक्रेट होता है ग्लूकागॉन एंड डेल्टा सेल्स से सीक्रेट होता है सोमेटोस्टैटिन एंड बीटा सेल्स से सीक्रेट होता है इंसुलिन। और जब ये बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती है एंड इंसुलिन सीक्रेट नहीं हो पाता तो उसे बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, बिकॉज इसमें बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। इसे बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस एंड ये होता है टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कम्स अंडर द केमिकल क्लास ऑफ इंडोल? सेना, रोल्फिया, बेलाडोना और डिजिटालिस। इनमें से कौन सा आता है इंडोल एल्कलॉइड्स में? तो ये होता है रोल्फिया। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। रोल्फिया आता है इंडोल एल्कलॉइड्स में। इंडोल एल्कलॉइड्स में आता है रोल्फिया, अर्गोट, विनका, नक्सोमिका, फाइसोस्टिग्मा। ठीक है, रोल्फिया पे भी दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। रोल्फिया आता है इंडोल एल्कलॉइड्स में एंड इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है रोल्फिया सर्पेंटिना। फैमिली होती है अपोसाइनेसी एंड इसे यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन और ये सेडेटिव भी होता है। देन सेना आता है एंथ्रेसिन ग्लाइकोसाइड में। इसकी फैमिली होती है लेग्यूमिनोसी और ये होता है परगेटिव। देन बेलाडोना आता है ट्रोपेन एल्कलॉइड्स में। इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है एट्रोपा बेलाडोना। इसका सिनोनिम होता है डेडली नाइट शेड लीव्स एंड इसकी फैमिली होती है सोलेनेसी। और ये बेलाडोना होता है एंटीकोलिनर्जिक एंटीस्पास्मोडिक। ये होता है एंटीकोलिनर्जिक एंटीस्पास्मोडिक एजेंट एंड इसे यूज करते हैं पार्किंसोनिज्म के ट्रीटमेंट में। देन ये डिजिटालिस आता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स में। इसका सिनोनिम होता है फॉक्सग्लो लीव्स। देन इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है डिजिटालिस परपुरिया एंड इसकी फैमिली होती है स्क्रोफुलेरियासी। और ये होता है कार्डियक टॉनिक
कंजेस्टिव कार्डियक फेलर में इसे यूज करते हैं डिजिटलिस को, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।